2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों पर चल रही है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा। आपको बता दें कि संजय निषाद ने निषाद समाज के सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी को खत लिखा। वहीं खत में लिखा कि जब तक खून का एक एक कतरा है तब तक पूरा जीवन निषाद समाज की भलाई के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब संजय निषाद ने खून से खत लिखा हो। इससे पहले भी उन्होंने खून से पत्र लिखकर पीएम मोदी से मछुआरों को एससी श्रेणी के तहत आरक्षण दिलाने के लिए पत्र लिखा था। सभी पत्रकार बंधुओं का साथ के पुरस्कार की पावन धरती पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हिमाचल के साथ साथ गरीब वंचित शोषित और देश को आजाद करने वाले परिवार कछुआ समुदाय की आवाज कुछ 40 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह नड्डा साहब वकालत तस्वीर आए जो कछुआ समुदाय के लोगों ने वकील के रूप में हमारे समर्थन किया था। तो मैं मछुआ समुदाय का उस वकील और उस पूर्वांचल के और भी छोटे बच्चे जितने भी हैं पूरे प्रदेश के वासियों के लिए दर्जनों बार प्रधानमंत्री से मिलकर इनकी आवाज को उन तक पहुँचाना और उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कराकर दिखाना, ये हम आपके माध्यम से जनता के तक पहुँचाना चाहते हैं। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल और निषाद पार्टी के भी 9 साल मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि पिछले 40 साल पहले देश के हमारे रामचंद्र राव आए थे और उन्होंने देश के मछुआरों को इकट्ठा किया था। उसी तरीके से मैंने इकट्ठा किया। वो प्रधानमंत्री जी कंस्टिट्यूशन क्लब में आए थे उस समय राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि क्रिमिनल क्राइम्स एक्ट 1949 के अनुसार मछुआ समुदाय को जनजात अपराधी घोषित किया था। एक खतार खाट इनके जीवन को बाजत के साधन को छीन लिया था, इनको ट्राइबल की जिंदगी जीने पर मजबूर किया था। ऐसे लोगों को चरम प्रकार की व्यवस्था देकर लोगों को बसाए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।